लॉ ऑफ टॉट्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम न्यू थिंग्स के बारे में बात करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉट्स को समझ लिया है। लॉ ऑफ टॉट्स में बेसिकली अब केवल दो लेक्चर्स और रह गए हैं, एक न्यू थिंग्स और दूसरा कन्वर्जन। तो दिस इज सेकेंड लास्ट वीडियो ऑन लॉ ऑफ टॉट्स और इस वीडियो में हम न्यूसेंस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो न्यूसेंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा और आप एग्जाम में इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, राइट। चलिए, तो वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉट विच इज न्यूसेंस, जिसे हिंदी में उपताप कहते हैं या बाधा उत्पन्न करना। न्यूसेंस मीन्स टू क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन, इरिटेशन। टू somebody's life or property. Law of thoughts में basically जब कोई person अपने किसी act या omission के चलते किसी दूसरे person के private legal right का violation करता है, then that person is liable to pay compensation. तो न्यूसेंस भी कुछ हद तक उसी तरह है। जब आप अपने किसी एक्ट के वजह से दूसरे पर्सन के लाइफ में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हो, उसे इरिटेट करते हो, तो बेसिकली आपने उसके लॉफुल राइट्स को वॉयलेट किया है और ये आपका एक्ट टॉर्ट है। तो इसके लिए आप लाइबल हो कॉम्पनसेशन पे करने के लिए, राइट। जो वर्ड न्यूसेंस है, दिस न्यूसेंस वर्ड हैज बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड नोसेरे और आगे चल के फ्रेंच में ये जो वर्ड है कन्वर्ट हो जाता है न्यूर में। तो नोसेरे से डिराइव होके फ्रेंच में आया न्यूर हो गया और इंग्लिश लैंग्वेज में ये कहलाता है न्यूसेंस, जिसे हम हिंदी में उपताप या बाधा उत्पन्न करना, अवरोध उत्पन्न करना या विघ्न उत्पन्न करना कुछ भी कह सकते हो। तो व्हाट इज न्यूसेंस? व्हेन द एक्ट ऑफ वन पर्सन irritates, annoys, or hurts another person, which is offensive in nature. उसका वो जो act है वो offensive है और वो continuous period of time के लिए है। तो वो क्या है? Thought है, basically nuisance है, right? तो nuisance means to irritate an act which is done by one person to irritate, annoy the peaceful enjoyment into life of another person. And that act is offensive in nature. And that act is offensive in nature. And for continuous period of time. So, ye kya hai? Ye hai nuisance. Right? For example,
मान लो दिस इज द अपार्टमेंट राइट, इस अपार्टमेंट के इस फ्लोर पर एक पर्सन जो इस फ्लोर में रहता है कंटिन्यूअस रात को 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक फुल वॉल्यूम के साथ डीजे बजाता है, जिससे इसके बगल में रह रहे इसके नेबर को डिस्टर्बेंस होता है, और ये चीज ये डेली बेसिस पर कर रहा है। तो बेसिकली इसके इस एक्ट के वजह से दूसरे पर्सन के एंजॉयमेंट में दखल उत्पन्न हो रहा है। द एक्ट ऑफ दिस पर्सन इज ऑफेंसिव इन नेचर एंड इट इज फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इरिटेट अदर पर्सन। तो ये क्या है? न्यूसेंस है, राइट। अब साल्मंड किस तरह से न्यूसेंस को डिफाइन करते हैं, आई होप कि जो बेसिक मीनिंग है न्यूसेंस का आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो साल्मंड कहते हैं द रॉन्ग ऑफ न्यूसेंस कंसिस्ट इन कॉजिंग और अलाउइंग विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। जब कोई पर्सन बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के the escape of any deleterious thing from his land or from elsewhere into land in possession of plaintiff, example water, smoke, fumes, gas, noise, heat, vibration, electricity, disease, germs, animals. तो सालमन बेसिकली कहते हैं कि जब कोई पर्सन अपने एस्केप से यानी अपने कंट्रोल से किसी ऐसे डेलिटेरियस थिंग को दूसरे पर्सन के लाइफ में या दूसरे पर्सन के लैंड में छोड़ देता है, जिससे उस पर्सन को इरिटेशन होता हो या उसके पीसफुल एंजॉयमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता हो, तो वो न्यूसेंस है। डेलिटेरियस थिंग मीन्स एनी डेंजरस थिंग विच इज ऑफ सच अ नेचर जो कि दूसरे पर्सन को डैमेज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये किसी प्रकार का कोई एनिमल हो सकता है, इसने अपने लैंड से किसी एनिमल को इसके लैंड में छोड़ दिया, तो ये भी क्या है? न्यूसेंस है। कोई गैस इसने अपने पोजीशन से इसके पोजीशन में छोड़ दिया, तो ये भी न्यूसेंस है। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हिज लैंड ऑन अनदर लैंड, या किसी प्रकार का फ्यूम, नॉइस, हीट, स्मोक, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सभी क्या है? बेसिकली एस्केप हुआ है, ये सभी चीजें इसके पोजीशन से दूसरे पर्सन के पोजीशन में आया है, तो ये क्या है? ये न्यूसेंस है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एस्केप ऑफ सच डेलिटेरियस थिंग द पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ दिस पर्सन हैज बीन ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी इसके लाइफ, इसके पर्सनल लिबर्टी को वॉयलेट किया है उस पर्सन के उस एक्ट के द्वारा, तो ये क्या है? न्यूसेंस है। अब पलोक क्या कहते हैं? पलोक कहते हैं कि न्यूसेंस इज द रॉन्ग डन टू अ मैन बाय अनलॉफुली डिस्टर्बिंग हिम इन द एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो किसी पर्सन का वो कार्य जिससे दूसरे पर्सन को डिस्टर्बेंस होता हो, जिससे उसके कॉमन राइट का वॉयलेशन होता हो, तो वो न्यूसेंस है। फॉर एग्जाम्पल, इस पर्सन के द्वारा कोई ऐसी चीज की जा रही है, कोई ऐसा एक्टिविटी किया जा रहा है जिसके वजह से वाइब्रेशन हो रहा है, राइट, तो इसे क्या हो रहा है? डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये भी क्या है? न्यूसेंस है। या इसने अपने प्रमाइस में कोई क्रॉप्स लगा रखा था और इसने अपने एनिमल्स को इसके प्रमाइस में छोड़ दिया और सारा फसल इन एनिमल्स ने खा लिया, तो ये भी क्या है? न्यूसेंस है। तो किसी पर्सन का एक्ट जो कि कंटिन्यूअस बेसिस पर हो रहा है, जिससे दूसरे पर्सन को डैमेज हो रहा है, वो न्यूसेंस है, राइट।
स्टीफन क्या कहते हैं, एनीथिंग डन टू हर्ट और अनोयंस ऑफ लैंड्स एंड नॉट अमाउंटिंग टू ट्रेसपास, तो कोई भी चीज जो दूसरे पर्सन को हर्ट करती हो उसे पर्सनली हर्ट करती हो या विच इज डेंजरस टू हिज लैंड, जो ट्रेसपास नहीं है वो न्यूसेंस है, राइट right? ट्रेसपास के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हमने समझा है, तो अगर आप ट्रेसपास को समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो एनी एक्ट विच इज कंटिन्यूअस इन नेचर, विच इज ऑफेंसिव इन नेचर, विच वायलेट्स द कॉमन राइट ऑफ अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज न्यूसेंस, राइट। तो डिफरेंट वर्ड्स में आप न्यूसेंस को डिफाइन कर सकते हो, बशर्ते कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। अब न्यूसेंस को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला पब्लिक न्यूसेंस, दूसरा प्राइवेट न्यूसेंस, राइट। आईपीसी का सेक्शन 268 पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात करता है, वहीं हमारा न्यू आईपीसी भारतीय नागरिक संहिता जो दो दिन बाद लागू होने वाला है, उस नए आईपीसी का बीएनएस का सेक्शन 270 पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात करता है, राइट। तो आइए समझते हैं कि आईपीसी या बीएनएस दोनों में पब्लिक न्यूसेंस को सेम तरह से ही डिफाइन किया गया है, जिस तरह से आईपीसी में डिफाइन किया गया है उन्हीं वर्ड्स में हमारे बीएनएस में भी डिफाइन किया गया है पब्लिक न्यूसेंस को, बस एक माइनर चेंज जो हुआ है वो सेक्शन नंबर को लेकर के हुआ है। आईपीसी का सेक्शन 268 पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात करता था, वहीं भारतीय न्यास संहिता का सेक्शन 270 अब बात करता है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में, राइट। तो सेक्शन 268 ऑफ आईपीसी डिफाइंस पब्लिक न्यूसेंस इन दीज वर्ड्स, अनरीजनेबल, राइट, अनवॉरेंटेड और अनलॉफुल इंटरफेरेंस, तीन वर्ड्स हैं, अनरीजनेबल, अनवॉरेंटेड, अनलॉफुल इंटरफेरेंस विथ अ राइट कॉमन अमॉन्ग जनरल पब्लिक। तो क्योंकि हम पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ऐसा कॉमन राइट जो कि पब्लिक का था, विच इज अवेलेबल अमॉन्ग द पब्लिक कॉमनली, उस राइट को जब आप किसी मैनर में वायलेट करते हो, अनलॉफुली इंटरफेयर करते हो उस राइट में, विच इज अवेलेबल टू द पब्लिक, तो ये पब्लिक न्यूसेंस है, राइट। पब्लिक न्यूसेंस डज नॉट क्रिएट अ सिविल कॉज ऑफ एक्शन, पब्लिक न्यूसेंस के केस में सिविल कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिया जा सकता है प्लेंटिफ के द्वारा, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस बेसिकली एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और क्योंकि ये जो पब्लिक न्यूसेंस है इससे एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड होते हैं, तो कोई इंडिविजुअल इस टॉर्ट के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दिस इज द पार्क, राइट, अब इस पार्क में कई लोग हैं, राइट, तो ये क्या है, पब्लिक प्लेस है। अब कोई एक पर्सन आता है और ये पर्सन गिटार लेता है और तेज तेज से गाना गाने लगता है, जिससे अगल बगल में जो लोग हैं उन्हें डिस्टर्बेंस होता है, तो इसके इस एक्ट के वजह से कई सारे पर्सन्स को डिस्टर्बेंस हो रहा है और सभी को बराबर डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये क्या है, पब्लिक न्यूसेंस है। और पब्लिक न्यूसेंस में सिविल कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिया जाता है, आप सिविल एक्शन नहीं ले सकते हो, प्लेंटिफ सिविल एक्शन नहीं ले सकता है क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस इज क्रिमिनल ऑफेंस। ऑल्सो पब्लिक न्यूसेंस में कोई एक पर्सन स्टैंड नहीं ले सकता है, क्योंकि सभी पर्सन्स को इससे बराबर
अफेक्ट हुआ है, तो एक इंडिविजुअल पर्सन पब्लिक न्यूसेंस के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता है, राइट? नाउ कब पब्लिक न्यूसेंस के केस में एक इंडिविजुअल पर्सन सूट फाइल कर सकता है, आइए उसे समझते हैं। इन ऑर्डर दैट एन इंडिविजुअल मे हैव प्राइवेट राइट ऑफ एक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। देखो ये मेरे खुद के नोट्स हैं और जब मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो आप वीडियो पॉज करके इन वर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हो, ताकि जब दोबारा से आप रिविजन करो तो ये सभी चीजें आपको क्लियर होती रहे। और मैं रीड भी इसलिए करता हूं ताकि आप इन्हें लिखते रहो, क्योंकि सभी वर्ड्स को मैं अगर लिखने लगूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वीडियो लंबा हो जाएगा, राइट? ही मस्ट सो स्पेशल एंड पर्टिकुलर इंजरी टू हिमसेल्फ बियॉन्ड दैट विच इज सफर्ड बाई रेस्ट ऑफ पब्लिक एंड द इंजरी मस्ट बी सोन टू बी ऑफ सब्सटेंशियल कैरेक्टर। अब पब्लिक न्यूसेंस के केस में हम जानते हैं कि सिविल कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिया जा सकता है और एक पर्टिकुलर पर्सन सूट फाइल नहीं कर सकता है, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं और वो ये है कि जब एक पर्सन ये प्रूफ कर दे कि औरों से ज्यादा उस पर्सन के उस एक्ट की वजह से उसे ज्यादा इंजरी हुआ है एंड ही सफर्ड मोर देन अदर पर्सन्स, तो वो सूट फाइल कर सकता है, राइट? तो पब्लिक न्यूसेंस में प्राइवेट एक्शन तब लिया जा सकता है जब इंडिविजुअल पर्सन ये प्रूफ करने में सफल हो जाए कि उसके उस एक्ट के वजह से उसे कहीं ज्यादा डैमेज हुआ है देन अदर पर्सन्स हु वर अवेलेबल एट दैट प्लेस ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। अब एक केस है हमारे पास डॉक्टर रामराज सिंह वर्सेस बाबूलाल, इस केस से हमारा ये डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट? केस है आपका रामराज सिंह वर्सेस बाबूलाल। बाबूलाल स्टार्टेड हिज पाउडरिंग मिल, बाबूलाल का पाउडर बनाने वाला एक मिल था और उस मिल के ठीक सामने रामराज सिंह का क्लिनिक था, ही वॉज अ डॉक्टर। अब जब कभी भी बाबूलाल अपने मशीन को स्टार्ट करते थे तो जो मिल था जब ऑपरेट होता था तो उसके डस्ट उसके एयर वहां से सीधे रामराज सिंह के क्लिनिक में जाता था। अब ऐसा नहीं है कि वो जो एयर है वो जो डस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रामराज सिंह के ही क्लिनिक में जाता था, आसपास भी वो डस्ट जाया करते थे, लेकिन क्योंकि उस मिल के ठीक सामने रामराज सिंह का क्लिनिक था तो सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होता था वो रामराज सिंह के पेशेंट को होता था और इनके पेशेंट को सफोकेशन होने लगता था। तो रामराज सिंह ने पब्लिक न्यूसेंस का केस फाइल कर दिया और इन्होंने ये प्रूफ किया कि इस मिल की वजह से उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने इस बात को माना और कॉम्पनसेशन ग्रांट किया गया रामराज सिंह को, बिकॉज ही सफर्ड मोस्ट देन द पर्सन्स अराउंड हिम, राइट? नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ पब्लिक न्यूसेंस? तो पहला कह रहे हैं प्लेंटिफ शुड हैव राइट टू यूज एंजॉय द लैंड। अब क्योंकि रामराज सिंह का क्लिनिक खुद का था, जो प्रॉपर्टी उनकी थी वो उनकी अपनी थी, पूरी तरह से उस प्रॉपर्टी पर उनका हक था, तो दिस इज द एलिमेंट, राइट? कि प्लेंटिफ शुड हैव राइट टू यूज एंजॉय द लैंड। आउटसाइडर्स या रिलेटिव शूट फाइल नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में रामराज सिंह के रिलेटिव अगर केस फाइल करते तो क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी नहीं थी तो ये एंटरटेन नहीं किया जाता। दूसरा डिफेंडेंट शुड बी डूइंग अनरीजनेबल यूज ऑफ लैंड,
डिफेंडेंट, क्योंकि हमने आईपीसी में पढ़ा अनरीजनेबल, अनवॉरेंटेड, अनलॉफुल इंटरफेरेंस, तो डिफेंडेंट ने अपने लैंड का अनरीजनेबल मैनर में यूज किया है, राइट इसे अपना मिल उस जगह पर एस्टेब्लिश करना चाहिए जहां पर गैदरिंग्स ना हो, पब्लिक प्लेस ना हो, राइट तीसरा अनरीजनेबल इंटरफेरेंस और डैमेज, और चौथा शुड बी कंटिन्यूअस। तो इसका ये जो एक्ट है वो कंटिन्यूअस बेसिस पर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मिल ये हफ्ते में केवल एक दिन ऑपरेट करता है फिर मिल को 10 दिन बाद 15 दिन बाद ऑपरेट करता है, तो क्योंकि यहां पे कंटिन्यूटी नहीं है, राइट तो ये भी क्या है, ये न्यूसेंस नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये एक पर्सन है और ये पर्सन कुछ स्पेसिफिक ओकेजन पर ही गाना बजाना किया करते हैं, भजन कीर्तन किया करते हैं, तो अब बी जो कि इनका पड़ोसी है वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन ए अगर रोज ही ऐसा करते हैं, डीजे लगाते हैं, भक्ति करते हैं, ठीक है नॉर्मल साउंड पर करें, लेकिन अगर ये ज्यादा साउंड से करते हैं और रोज ही करते हैं बिना स्पेशल ओकेजन के कंटिन्यूअस बेसिस पर, इट मे बी एग्जाम्पल ऑफ न्यूसेंस, तो कंटिन्यूटी होना चाहिए। एक और केस है हमारे पास, राधेश्याम वर्सेस गुड प्रसाद। इस केस में यह कहा गया कि रनिंग अ फ्लोर मिल इन अ रेजिडेंशियल एरिया, आवासीय क्षेत्र में अगर आप फ्लोर मिल रन करते हो तो यह बेसिकली न्यूसेंस है, राइट। नाउ व्हाट आर द रेमेडीज फॉर न्यूसेंस, न्यूसेंस के केस में प्लेंटिफ जो है वो क्या क्या रेमेडीज मांग सकता है, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द प्लेंटिफ इन केस ऑफ न्यूसेंस, राइट। तो पहला कहता है डैमेजेस, डैमेजेस मांग सकता है। दूसरा इंजंक्शन, वो पर्सन डिफेंडेंट के उस एक्ट को कुछ समय के लिए रुकवा सकता है। अब ये जो इंजंक्शन है ये परमानेंट बेसिस पर हो सकता है या टेम्पररी बेसिस पर कुछ समय के लिए। तीसरा है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, खुद स्वयं से कुछ लीगल स्टेप्स उठा सकता है उसके उस एक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, राइट। अब ये क्या है, देखो अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस मींस टेकिंग लीगल और नेसेसरी स्टेप्स टू इनवेट टू प्रिवेंट द डिफेंडेंट फ्रॉम डूइंग दैट वर्क, राइट। अब जैसे मान लो कि ब्रांचेस ऑफ अ बिग ट्री विच वॉज प्लांटेड इन नेबर्स लैंड, उसके ब्रांचेस ए के प्रिमाइसिस में लटक रहे थे, राइट। अब ए ने कई बार उस पर्सन को कहा कि आप अपने पेड़ की टहनियों को काट लीजिए क्योंकि ये मेरे प्रिमाइसिस में एंटर कर रहे हैं, फिर भी उस पर्सन ने ऐसा नहीं किया, तो अब ए उन टहनियों को जहां तक वो उसके प्रिमाइसिस में आ रहे हैं काट सकता है, खुद से स्टेप ले सकता है, राइट। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, अ नोटिस टू अदर पार्टी इज रिक्वायर्ड to be served unless the nuisance constitutes danger to life of other person or property when the abatement is possible without going on wrongdoer's land, same may be done without notice. तो कह रहा है कि अगर जो plaintiff है वो defendant के land में गए बगैर nuisance को रोक सकता है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर कुछ इस प्रकार से सिचुएशन है जिससे उस न्यूसेंस को खत्म करने के लिए रोकने के लिए उस पर्सन के प्रिमाइसेस में जाना पड़ेगा तो एक नोटिस सर्व करके वो पर्सन जा सकता है, राइट।
जैसे हमने एग्जांपल देखा था, एक ट्री का एग्जांपल हमने देखा, राइट right?